जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मखनी। मैंने रात को एक कटोरी उड़द की काली साबुत दाल भिगोई थी और एक कप मैंने राजमा लिए हैं। मैंने इनको रात भर भिगोने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इनको कुकर में डालेंगे और 5-6 सीटियां लगवाएंगे। मैंने दाल को और राजमा को कुकर में डाल दिया है और पानी भी डाल दिया है इसमें। सफ़ेद नमक भी डालें ताकि अच्छे से हमारी दाल गल जाए। अगर आपके पास राजमा नहीं है तो आप चने की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं 5 सीटियां लगवाऊंगी। मैंने कुकर में 5 सीटी लगवा ली हैं। अब इसको खोल कर देखते हैं हमारी दाल अच्छे से गली है या नहीं। ये देखिए, हमारी दाल अच्छे से गल गई है। अब हम एक पैन लेंगे। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसको अच्छा से गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें छोटी सी दालचीनी, तेज पत्ता, छोटा सा कटा हुआ प्याज। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। दाल मखनी में प्याज वैसे ज़रूरी नहीं है डालना। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। लहसुन पिसा हुआ, थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, लाल मिर्च से हमारी जो दाल है उसमें एक कलर आता है, कश्मीरी लाल मिर्च डालने से। हल्दी, अब हम इसमें डालेंगे अपनी टमाटर प्योरी। थोड़ा सा व्हाइट नमक, नमक कम ही डालेंगे क्योंकि हमें दाल मखनी में भी, दाल में पहले भी हमने नमक डाला हुआ है। इसको अच्छे से हम पकाएंगे। ढककर हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। दाल मखनी में ज़्यादा सिंपल तरीके से ही ज़्यादा बनती है, इसमें ज़्यादा झंझट या तामझाम नहीं होते हैं। आप चाहे तो 2 हरी मिर्च डाल सकते हैं, मैं पहले डालना भूल गई थी। अब इसको अच्छे से हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए, टमाटरों ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर अपनी दाल डाल देंगे। दाल को मैंने एक बॉल में निकाल लिया था, अब मैं इसको कढ़ाई में डाल दूंगी। इसको मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसको हम स्लो आंच पर रखेंगे, कम से कम आधा घंटा हम इसको पकाएंगे। दाल मखनी को जितना आप पकाते हो ये उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, तो हम इसको कम से कम आधा घंटा पकाएंगे। मैं इसको आधे घंटे के लिए ढक देती हूँ। इसको पकते हुए 20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। ये देखिए, हमारी दाल मखनी का कितना सुंदर टेक्सचर आ गया है। अभी हम इसको और घुटने देंगे अच्छे से कम 10-15 मिनट इसको स्लो आंच पर और पकने देंगे। दाल मखनी जितना ज़्यादा पकती है स्लो 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 स्लो, ये उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अभी हम इसको और पकाएंगे कम से कम 15-20 मिनट, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटा भी पका सकते हो, 2 घंटे भी पका सकते हो। जितना ज़्यादा दाल मखनी पकती है ये उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। मैं इसको 10-15 मिनट और पकाऊंगी। हमारी दाल मखनी अब अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसको गैस से उतार लेंगे और इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा घी, बटर, आप कुछ भी डाल सकते हो। गरम करेंगे बटर को। बटर गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े लहसुन के। हमारा तड़का अब तैयार हो गया है, अब हम इसको दाल मखनी में डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको दाल मखनी थोड़ी टाइट लग रही है तो आप अलग से पानी उबाल कर भी डाल सकते हो। हमारी दाल मखनी अब अच्छे से तैयार है, अब हम इसमें डालेंगे बटर।
मैंने ऊपर से बटर डाल दिया है इसमें। ये अच्छे से इसके अंदर थोड़ा बटर और डालेंगे। दाल मखनी में हम थोड़ी सी ऊपर से क्रीम सर्व करेंगे। थोड़ी सी धनिया की पत्तियां। ये देखिए हमारी दाल मखनी एकदम खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।